हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। यकीनन आप सब लोग ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं बना रही हूँ वो है चिकन और तुरई का सालन। तो आए हम शुरू कर लेते हैं। जी फ्रेंड्स, तो आज मैं बना रही हूँ चिकन। आधा किलो मेरे पास चिकन है और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ तुरई, और आधा किलो ही मैंने तुरई लिए जिन्हें मैंने छील लिया है, धो लिया, साफ़ कर लिया है। और इसके लिए इस्तेमाल कर रही हूँ मैं दो टमाटर और एक प्याज लिए जो कि मीडियम साइज़ की है। गरम मसालों में मैं यूज़ कर रही हूँ सफ़ेद ज़ीरा, काली मिर्च, छोटी इलायची, लौंग और बड़ी इलायची, और साथ में दो अदरक मैंने लिए हैं दालचीनी। ड्राई मसालों में मैं इस्तेमाल कर रही हूँ एक चम्मच लाल मिर्च, एक चम्मच भर के मैंने धनिया पाउडर लिया है, आधी चाय का चम्मच हल्दी, एक चम्मच में भर के यूज़ कर रही हूँ पेपरिका पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च। जी फ्रेंड, सबसे पहले तो मैं अपनी सब्जियां कट कर लेती हूँ। तीन चम्मच मैंने ऑयल लिया है, ये वाला कुकिंग ऑयल। दो चम्मच मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है। गरम मसाला ऐड कर रही थोड़ा सा मैं इसको बगैर मसालों के भून लेती हूँ, फिर अब इसमें डालूंगी ड्राई मसाले। चिकन का कलर चेंज हो गया है, वाइट हो गई है, अच्छे से फ्राई हो गया है ऑयल में। अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ मसाले। थोड़ा सा जैसे पानी डाल रही हूँ ताकि मसाले जले नहीं, थोड़ा थोड़ा मसाला पानी डाल के हम इसको भूनते हैं। टमाटर के साथ ही मैं इसमें डालने लगी हूँ नमक। नमक डालने से अब ये टमाटर जो है जल्दी गल जाएंगे। अच्छे से भून लेते हैं इसको। अब मैं इसमें डाल रही हूँ दही, ये बड़ा चम्मच है मेरे पास, देखिए। दो चम्मच मैंने इसमें डाल दिए दही के। जी ये देखिए, अच्छा सा चिकन भून गया है, ऑयल सेपरेट हो गया। अब मैं इसमें तुरई डाल रही हूँ। इसको मैंने कम से कम तो 5 मिनट के लिए मैंने भून लिया था, और अब मैं डाल रही हूँ इसमें तुरई। तुरई के साथ भी हमने इसको थोड़ा सा भून लिया है। अब हम इसमें डालते हैं पानी। पानी थोड़ा सा डालेंगे, आधा सा ग्लास, जिसमें ये तुरई जल्दी से गल जाएंगी।
इतना पानी काफ़ी है और हम इसको रख देते हैं ढक के। तीन मैंने हरी मिर्च डाल दी, इसके बाद पकने में बहुत अच्छी खुशबू आती है। सालन बन गया, अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। थोड़ा धनिया डालो इसमें, फ्रेंड्स तो डिश हमारी तैयार है। जी फ्रेंड्स, तो आज की रेसिपी यकीनन आप लोग को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जो चैनल पे न्यू है ज़रूर है कि सब्सक्राइब कर दिया करें, हमें मोटिवेशन मिलती है। खुश रहें, खुश रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।